नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। जैसे आप सभी जानते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बारे में हम बात करते हैं बुधवार को। आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा जन्म के दौरान या जन्म के पहले या जन्म के बाद किसी इंजुरी या किसी डैमेज का शिकार होता है, स्पेशली मस्तिष्क यानी ब्रेन में, तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ही तुरंत देखने मिलते हैं पेरेंट्स को। लेकिन पेरेंट्स माँ बाप को ये समझ नहीं आता है कि ये साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। अगर इन साइंस एंड सिम्टम्स की जानकारी पेरेंट्स को पहले से हो, अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की जानकारी पेरेंट्स को पहले से हो, तो वो इस एबनॉर्मलिटी को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं और जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो सके उतना ही ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो आज मैं बात करूँगी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में। ये ऐसे साइंस है जो एक नॉर्मल बच्चे में अधिकतर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं या गायब हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे में कोई भी सेरिब्रल पाल्सी या डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन जैसे इश्यूज होते हैं, उस दौरान यही सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बहुत लंबे समय तक के रह जाते हैं, फिर भी दिखते हैं और बच्चे की डेवलपमेंट को आगे नहीं होने देते। और इसी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की जानकारी के मदद से पेरेंट्स बहुत ही पहले समझ सकते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है, डॉक्टर को तुरंत दिखा सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू की जा सकती है। तो क्या होते हैं ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, इसे कैसे देखा जाता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, यानी कुछ ऐसे रिस्पॉन्स जो बच्चों में देखने मिलते हैं जो बच्चे के मस्तिष्क या ब्रेन को मदद करते हैं डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब बच्चे में कोई भी तरीके की ब्रेन रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज होती है, तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वहीं के वहीं स्टैग्नेंट रह जाते हैं, वो उसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है और इसीलिए इसकी टेस्ट करना ज़रूरी होता है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को टेस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जो पहली मेथड है या जो पहली प्रिमिटिव रिफ्लेक्स टेस्ट हमें करनी है, उसको कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि बच्चे की सक करने की या कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी। जब भी आप बच्चे के मुंह के पास अपनी उंगली को लेके जाते हैं, तो बच्चा अपने आप ही अपना मुंह खोल के उस उंगली को चूसने लगता है, जैसे बच्चे को अंगूठा भी चूसने की आदत होती है। तो बेसिकली ये एक सकिंग रिफ्लेक्स है जो बच्चे को कैसे खाना है इसकी एबिलिटी डेवलप करने में मदद करता है। अधिकतर ये जो सकिंग रिफ्लेक्स है, ये इसकी शुरुआत या इसकी डेवलपमेंट गर्भ के अंदर ही हो जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है 3 महीने के ड्यूरेशन में। लेकिन अगर बच्चा जो 3 महीने के अधिक के उम्र का है और उसमें भी अगर आपको ये साइन देखने मिल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि सकिंग रिफ्लेक्स अभी तक के मैच्योर नहीं हुई है, पूरी तरीके से गायब नहीं हुई या इंटीग्रेट नहीं हुई है। ये एक साइन है कि डेवलपमेंटल डिले की पॉसिबिलिटी है। जो दूसरा रिफ्लेक्स टेस्ट है वो है रूटिंग रिफ्लेक्स, यानी बच्चे की एबिलिटी फूड सोर्स को ढूंढने की। अगर हम अपनी छोटी उंगली को मुंह के साइड में इस तरीके से स्ट्रोक करते हैं, तो बच्चा अपने आप अपनी जो गर्दन है, अपना जो मुंह है, उस तरफ घुमा देता है। ये बच्चे को जब स्तनपान करना होता है तब उसे मदद करता है सही जगह पहुंचने के लिए। और ये रिफ्लेक्स अधिकतर 3 महीनों के अंदर चला जाता है। बच्चे की विजन डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है और उसे रूटिंग रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब सेरिब्रल पाल्सी या डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन जैसे सिम्टम्स होते हैं, तब ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है ये कहीं ना कहीं परसिस्टेंट रहता है या बहुत ही लेट ये गायब होता है या इंटीग्रेट हो जाता है। जो तीसरा रिफ्लेक्स है वो है मोरोज रिफ्लेक्स, इसको स्ट्रैटल रिस्पॉन्स भी कहा जाता है।
वैसे तो कहीं ना कहीं ये वाली जो रिफ्लेक्स है ये हम बड़ों में भी कुछ हद तक के प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सीपी पीड़ित बच्चा है या जो बच्चा जिसको डेवलपमेंटल डिले की दिक्कत है उनमें ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो क्या है ये मोरो रिफ्लेक्स? अगर बच्चा बहुत तेज़ आवाज़ सुनता है या कोई भी एकदम से कोई बच्चे को पकड़ता है या छूता है या ठंडा टच सेंसेशन फील होता है तो बच्चा घबरा के अपने दोनों हाथों को पीछे और पैरों को लंबा ऐसे बॉडी को पूरा फैला देता है, जिस तरीके से हम घबरा जाते हो उस तरीके से। इसे ही मोरोज या स्ट्रैटल रिस्पॉन्स कहते हैं। अधिकतर मोरोज या स्ट्रैटल रिस्पॉन्स बच्चों में 6 महीने तक की उम्र में देखा जाता है और धीरे धीरे ये कम होने लगता है, लेकिन जो बच्चा जिसको सेरिब्रल पाल्सी या डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन की दिक्कत है उन बच्चों में इस रिस्पॉन्स को बहुत लंबे समय तक के देखा जाता है, जिसका मतलब है कि ब्रेन अभी मैच्योर नहीं हुआ है और ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है या अभी भी एग्जिस्टिंग है, इंटीग्रेट नहीं हुआ है। अगर हम अगले रिफ्लेक्स की बात करें तो वो है पाल्मर ग्रास्प। अभी आपने ये देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं अगर हम अपनी उंगली बच्चे के हाथ में देते हैं तो बच्चा अपने हाथों से उस उंगली को बहुत कस के पकड़ लेता है और उस हाथ को छुड़ाना मुश्किल होता है, बहुत ही टाइट ये ग्रिप होती है, जिसका मतलब है बच्चा कोई भी चीज़ पकड़ना ज़रूर जानता है लेकिन उसकी आसानी से जो ग्रास्प है या जो ग्रिप है ये छूटती नहीं है। ये एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है जिसको ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स या फिर पाल्मर ग्रास्प भी कहा जाता है। लेकिन जब बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी या डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन की दिक्कत होती है तब यही रिफ्लेक्स बहुत लंबे समय तक के परसिस्टेंट रहता है और इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स की ये दिक्कत होती है कि मेरा जो बच्चा है ये कोई चीज़ पकड़ ज़रूर लेता है लेकिन वो आसानी से छोड़ता नहीं है। तो ये बेसिकली इसी के वजह से होता है कि बच्चे का जो पाल्मर ग्रास्प है या जो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है ये पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हुआ है, छूटा नहीं है, क्योंकि जब ये इंटीग्रेट होगा तभी बच्चा आगे डेवलप होगा और अलग दूसरे एक्टिविटीज पे आगे बढ़ पाएगा। पाल्मर ग्रास्प जो है ये भी 5 से 6 महीने की उम्र तक के देखा जाता है, धीरे धीरे फिर बच्चे की जो हैंड ग्रिप है ये फ्री होने लगती है, लेकिन सेरिब्रल पाल्सी की केस में या डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन की केस में इसी ग्रास्प में बहुत लंबा समय चला जाता है। अगर हम अगले रिफ्लेक्स की बात करें तो वो है प्लांटर रिफ्लेक्स, यानी जो हमारे पैरों के जो पंजे हैं उसमें दिखने वाला एक रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में अगर हम बच्चे के पैर को स्ट्रोक करते हैं, जैसे समझ लीजिए ये बच्चे का पैर है, अगर हम हाथ से या कोई भी नोकीली चीज़ से अगर हम इस तरीके से स्ट्रोक करते हैं तो बच्चे की जो पैरों की जो उंगलियाँ है, टोज है, ये पीछे की तरफ ऐसे खुल जाते हैं और ये जो अंगूठा है ये भी खुल के थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ये रिफ्लेक्स है जिसको कहते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। अभी इसको न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में आगे चल के इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 से 2 साल की उम्र तक के रहता है और फिर गायब हो जाता है। उसके बाद जो बच्चा है जब हम ऐसे स्ट्रोक करेंगे तो अपनी उंगलियों को मोड़ेगा और अपने थंब को भी ये बेंड करेगा, लेकिन यह चीज़ जब कोई सीपी पीड़ित बच्चा है तो उसमें नहीं देखने मिलती। इवन जो अडल्ट न्यूरोलॉजी के केसेस होते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी ये सेम साइन देखने मिलती है जिसको बैबिंस्की साइन भी कहा जाता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में डेवलपमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अगर हम अगले रिफ्लेक्स की बात करें तो वो है ATNR, जिसका मतलब है असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या होता है इसका मतलब? यह इस रिफ्लेक्स के दौरान अगर हम एक छोटे बच्चे को जब सुलाते हैं और उसकी गर्दन को किसी एक तरफ या एक साइड की तरफ घुमा देते हैं तो वो जो उस साइड जिस साइड हमने अपनी गर्दन को घुमाया है उस साइड की तरफ अपने हाथों को मोड़ देगा और अपने पैरों को भी मोड़ देगा, वहीं जो दूसरे साइड के हाथ और पैर है उसको सीधा कर देगा, बिल्कुल वैसे जैसे वो कोई धनुष या बाण चला रहा हो। इस रिफ्लेक्स को ATNR या फिर असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स कहते हैं, जो मौजूद होता है एक बच्चे में करीबन 3 महीने की उम्र तक के। जब 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो यह रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाता है और एक नया रिफ्लेक्स
डेवलप होता है या देखने मिलता है जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल टोनिक क्रिक रिफ्लेक्स। इसमें यह होता है कि जब भी हम बच्चे की जो गर्दन है इसको अगर ऊपर उठाते हैं तो बच्चे के जो हाथ है और पैर है ये दोनों भी साथ में मुड़ जाते हैं, और अगर हम बच्चे की गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हैं तो बच्चे के हाथ और पैर है ये बिल्कुल खुल जाते हैं। यह रिफ्लेक्स देखने मिलता है करीबन 6 महीने से 9 महीने की उम्र में। अभी ATNR और STNR इसकी चेकिंग क्यों ज़रूरी है? इसकी चेकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स प्रेजेंट है इसका यह साइन है कि बच्चे में अभी 6 महीने के आगे की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, नॉट कम्प्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मूवमेंट्स के रिलेटेड की बात कर रही हूँ, तो वो नहीं हुई है, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स भी नहीं दिखने मिलेगा। तो यह कहीं ना कहीं साइन है कि हमें डेवलपमेंट में जो बच्चा है उसको इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो आगे की तरफ या मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में करे, क्योंकि यह एक साइन है कि वो कोऑर्डिनेशन अभी तक के डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम इसके अलावा दूसरे एक रिफ्लेक्स की बात करें तो वो है टॉनिक लैब्रिंथाइन रिफ्लेक्स। टॉनिक लैब्रिंथाइन नेक रिफ्लेक्स में अगर हम देखते हैं कि अगर हम बच्चे के हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते हैं और गर्दन को पीछे की तरफ छुड़े रहने देते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो जो बच्चा है उसको गिरने जैसा एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और इसी की वजह से जब वो उठ रहा है तब वो हाथों और पैरों को बिल्कुल अपने तरफ खींच लेगा और जब गिर रहा है तो बिल्कुल हाथ और पैर उसके फैलने लगेंगे। ये भी एक रिफ्लेक्स है जो ये जानकारी देता है कि बच्चे का जो बैलेंसिंग सिस्टम है या जो ईयर में जो हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको लैबरिंथ ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, ये ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। और जो आखिरी रिफ्लेक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टेपिंग रिस्पॉन्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स ये होता है जब हम किसी बच्चे को उठाते हैं और उसके जो पैर के जो टोज है या जो उसका बड़ा अंगूठा है उसको अगर ज़मीन पे टच करते हैं तो बच्चा अपने आप पैरों को चलाने लगता है जैसे वो चलने की कोशिश कर रहा हो। यह रिफ्लेक्स बच्चों को मदद करता है वॉकिंग एबिलिटी डेवलप करने में, लेकिन जब तक ये रिफ्लेक्स चला नहीं जाता तब तक के बच्चे में वॉकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होती। यह रिफ्लेक्स 2 से 5 महीने के दौरान देखा जाता है और 5 महीने के बाद ये गायब हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है और बच्चा धीरे धीरे फिर खड़ा रहना और वॉकिंग करना भी शुरू करता है। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के सिचुएशन में ऐसा नहीं होता और ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स बहुत समय तक के मौजूद रहता है। इसी कारणवश कई बार पेरेंट्स जो है इन्हें ये लगता है कि जो मेरा बच्चा था वो 6 महीने 7 महीने तक के काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट उसका लग रहा था क्योंकि वो पैर चलाता था, वो पैर चलाने की कोशिश करता था। कई पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अगर हम बच्चे को खड़ा करते हैं तो वो पैर चलाने की कोशिश ज़रूर करता है, तो उन्हें लगता है कि वो कोशिश करता है लेकिन वीकनेस की वजह से चल नहीं पा रहा। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक रिफ्लेक्स होता है जहाँ पेरेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं उसको बच्चे के एफर्ट समझ के, और इसीलिए इन सारी रिफ्लेक्स की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 9 महीने की उम्र का हो चुका है और उसमें यह जो रिफ्लेक्सेस मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं वो अगर आपको ऑब्जर्व होते हैं या दिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं साइन है कि बच्चे में डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो सकता है, और आपको पीडियाट्रिशियन या फिर डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए बच्चे को ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे रिफ्लेक्सेस की हमेशा ध्यान रखिए, एस्पेशली पहले 1 साल के दौरान, जिसके वजह से आप बहुत अर्ली ट्रीटमेंट बच्चे की शुरू कर पाएंगे। जितना आप जल्दी बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतना आपके लिए आसान होगा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करना बच्चे में। इस वीडियो के माध्यम से मेरा एम था कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं सारे बेसिक्स के बारे में जो आपको मदद करेंगे आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाने में, उसकी इंडिपेंडेंस डेवलप करने में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर हाँ तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल को। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, धन्यवाद।